लीनर्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मुकाबले में सुमन गिल 91 के स्कोर पर रन आउट हो गए हैं। दोस्तों सुमन गिल काफ़ी कमाल की बैटिंग कर रहे थे। दोस्तों फर्स्ट इनिंग में सुमन गिल 0 पर आउट हुए थे, लेकिन सेकेंड इनिंग में सुमन गिल काफ़ी कमाल की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव ने उन्हें रन आउट करा दिया। तो टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, टीम इंडिया की लीड अब 370 रन की हो चुकी है और बैटिंग करने आए यशस्वी जायसवाल। फ्रेंड्स आपको पता, यशस्वी जायसवाल कल रिटायर हर्ट हुए थे, जिसकी वजह से वह उनकी चोट आई थी, थोड़ी सी दर्द था उनकी पीठ में, इस वजह से वह पवेलियन लौट गए थे, लेकिन आज फिर से वह वापस कर बैटिंग करने आ गए हैं। दोस्तों इसके बाद सरफराज खान बैटिंग करने आएंगे। दोस्तों टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके हैं। फ्रेंड्स सुमन गिल जब आउट हुए तो उनका रिएक्शन देखने लायक था, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे सुमन गिल, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि सुमन गिल के बल्ले से सेंचुरी देखने को मिल सकते, लेकिन वह 9 रन से चूक गए और रन आउट हो गए। तो फ्रेंड्स अगर आप भी भारतीय टीम को पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।